लोकसभा में देखेंगे आज की खास खबर। रिटायर विंग कमांडर और शौर्य पदक पर जानलेवा हमला। पन्ना जिले के अजयगढ़ में अतिक्रमण चरम पर है। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रिटायर विंग कमांडर और शौर्य पदक विजेता राजेंद्र टंडन पर जानलेवा हमला हुआ। होम साइंस कॉलेज के पास राजेंद्र पर अज्ञात बाइक सवारों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें पास के ही एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। राजेंद्र के परिजनों ने संपत्ति विवाद को लेकर भतीजे पर हमला करने की आशंका जताई है। परिवार वालों ने बताया कि राजेंद्र टंडन और भतीजे के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, इसीलिए उन्हें संदेह है कि ये हमला भतीजे ने ही करवाया होगा। बता दें कि रिटायर्ड विंग कमांडर राजेंद्र टंडन को वीरता के लिए शौर्य पदक से नवाजा जा चुका है। मदन महल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। किस तरह की घटना हुई है, क्या फैक्ट सामने आए? ये टंडन के बाड़ा में होम साइंस कॉलेज के पीछे तरफ मिस्टर टंडन रहते हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर है एयरफोर्स से। इनका प्रॉपर्टी को लेके इनके परिवार में विवाद चल रहा है। आज ये साईं मंदिर से लौट रहे थे तो अभी ये इन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग थे, एक खड़ा रहा, दो लोगों ने इनके ऊपर हमला किया है। धारा 307 के तहत मुकदमा कायम किया गया है और इन्होंने अपने संदेह में ये बताया है कि इनका भतीजा है, वो उससे को लेके इनके प्रॉपर्टी का विवाद है। घटना कहाँ पे हुई? घटना हुई है होम साइंस कॉलेज से जो रास्ता अंदर की तरफ जाता है वहाँ पे मिस्टर दत्त जो बिल्डर है उनका घर है, उनके सामने। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ में अतिक्रमण हावी है और प्रशासन सब जानते हुए भी अनजान बना है। जनता की जान से खिलवाड़ कर रहा है प्रशासन। अजयगढ़ में चारों तरफ अतिक्रमण की बाढ़ सी आ गई है। माधोगंज चौराहे से लेकर जय स्तंभ चौक तक इतना अतिक्रमण है कि पूरा रास्ता जाम है। वहीं अतिक्रमणकारियों का कहना है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सारे अधिकारी हमारी जेब में हैं, फ्री में अतिक्रमण नहीं किया है, सबकी जेबें गर्म की हैं।